नमस्कार दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए नॉर्मल केसेस में, यानी जहां पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, इंडिविजुअल असेसी के लिए आईटीआर भरने की ड्यू डेट होगी 31 जुलाई 2022, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस डेट को फर्दर एक्सटेंड ना कर दे। तो प्रैक्टिकली दोस्तों, आज की डेट से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1 जून, 31 जुलाई तक आपके पास में इफेक्टिवली 2 महीने का टाइम है जिसमें आईटीआर भरनी है। और बहुत से सैलरीड पेड एम्प्लॉई आईटीआर 1 प्रेफर करते हैं या उन पर आईटीआर 1 एप्लीकेबल होती है। तो आज की इस वीडियो से आपके समक्ष आईटीआर 1 पर एक डिटेल डिस्कशन लेने जा रहा हूं कि कौन आईटीआर 1 भर सकते हैं, कौन आईटीआर 1 नहीं भर सकते, आईटीआर 1 कैसे भरनी है और ऑनलाइन आईटीआर 1 भरने के लिए आपको कैसे रीच करना है, कैसे पहुंचना है। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने क्विकली ये बात रखता हूं, हु मे फाइल ITR1। ITR1 जिसको सहज भी कहा गया है, उसे कौन भर सकता है? एन इंडिविजुअल हु इज एन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। माइंड यू माय डियर फ्रेंड, एन इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ कैन बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। और रेजिडेंट अगर वो है तो उसकी दो कैटेगरी हो सकती है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, केवल वही इंडिविजुअल ITR1 भर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक ही है, 50 लाख से जिसकी रिटर्न ज्यादा होगी एज एन इंडिविजुअल, वो ITR1 नहीं भरेंगे, फिर ITR2 भरेंगे, चाहे वो सैलरीड पेड एम्प्लॉय क्यों ना हो। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स इनकम, केवल 3 हेड्स में अगर आपके पास इनकम है तो ही आप ITR1 चूज कर सकते हैं, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स। अगर इसके अलावा बिजनेस प्रोफेशन या कैपिटल गेन की इनकम है तो आपके लिए ITR1 की जगह ITR2 एप्लीकेबल होगी। Having income from family pension, कभी कभी किसी व्यक्ति के पास में फैमिली पेंशन के रूप में भी अगर पेमेंट आता है तो उन्हें ITR1 भरने का ऑप्शन है। Having agriculture income up to ₹5,000। यदि exempt income की बात करूं तो exempt income तो आपके पास कोई भी हो सकती है, ITR1 में आप exempt income report भी कर सकते हैं, लेकिन agriculture income अगर आपके पास में 5,000 से ज्यादा है तो फिर ITR1 applicable नहीं होगी। Who can't file ITR1? कौन ITR1 दोस्तों फाइल नहीं कर सकता? If you are director in a company, अगर आप किसी private limited company, public limited company के director हैं, आप ITR1 नहीं भरेंगे, ITR2 भरेंगे। If you are not an ordinarily resident or non-resident in India during the relevant financial year, ये भी मैंने आपसे पहले ही disclose किया। If you held unlisted equity share during the previous year, अगर आपके पास में किसी company के share हैं और वो शेयर्स अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं तो आप ITR1 नहीं भरेंगे, ITR2 भरेंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपको ITR में रिलेवेंट शेयर होल्डिंग का भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है। इन केस TDS इज डिडक्टेड इन योर केस अंडर सेक्शन 194N, 194N क्या है दोस्तों? जिस व्यक्ति ने अपने खाते से 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा या 20 लाख से ज्यादा निकाला हो तो 194N में उन पर TDS एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप पर TDS एप्लीकेबल है 194N में, वो आपको 26S से पता चलेगा, तो आप ITR1 नहीं भरेंगे, फिर आपको ITR2 भरना है। इनकम इज डेफर्ड ऑन ESOP। देखिए, सेक्शन 192 में एक सबसेक्शन 1C दोस्तों इंसर्ट हुआ था कि एलिजिबल स्टार्टअप के केसेस में जहां ESOP दिए जाते हैं, तो स्टार्टअप के अगर आप एम्प्लॉई हैं और आपको ESOP वेस्टिंग होती है तो आपको ऑप्शन दिया कि आपका TDS बाद में भी लिया जा सकता है या आपका टैक्स लायबिलिटी बाद में पेएबल होगा। तो अगर आप 192 सबसेक्शन 1C में कवर्ड हैं, किसी एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉई हैं, आपको ESOP मिला है, तो आप ITR1 नहीं भरेंगे, ITR2 भरेंगे। और हैविंग इनकम फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, रेस कोर्स इनकम एंड कैजुअल इनकम एक्सेट्रा, आपको हॉर्स रेस से कोई इनकम हुई हो, लॉटरी से इनकम हुई हो, क्रॉसवर्ड पजल से इनकम हुई हो, कार्ड गेम से इनकम हुई हो या इसी प्रकार की कोई कैजुअल इनकम हुई हो, देन यू कांट फाइल ITR1, यू हैव टू थिंक ऑफ फाइलिंग ITR2। और कुछ कैटेगरी है दोस्तों, इफ यू हैव एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी आउटसाइड इंडिया, अगर आपके पास में कोई इंडिया से बाहर एसेट हेल्ड है या उसी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी आउटसाइड इंडिया भी शामिल होगा तो भी आपको ITR1 नहीं ITR2 भरनी होगी। इफ यू हैव साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया से बाहर किसी अकाउंट में, चाहे बेनिफिशियल कैपेसिटी में चाहे रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है तो आप ITR1 नहीं ITR2 भरेंगे। इफ यू आर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर अदर सोर्स में फैमिली पेंशन है और फैमिली पेंशन का डिडक्शन आप ले रहे हैं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है,
उसको छोड़ दीजिए। अगर आप अदर सोर्स की इनकम में से कोई डिडक्शन लेना चाहते हैं, यानी आपने कहा जी मैंने इंटरेस्ट कमाया 2 लाख और उसके अगेंस्ट में मैंने इंटरेस्ट पे भी किया से 1 लाख, तो मैं फाइनली 1 लाख नेट नेट ऑफर करना चाहता हूं, तो आप आईटीआर 1 नहीं फिर आईटीआर 2 भरेंगे। हैविंग इनकम लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन, ये मैंने पहले भी बोला, अगर आपके पास में कैपिटल गेन हेड में प्रॉफिट या लॉस है आईटीआर 2 अप्लाई होगी, आईटीआर 1 नहीं। इसी प्रकार हैविंग बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, देन ऑल्सो इट विल बी आईटीआर 2 विच इज एप्लीकेबल, नॉट आईटीआर 1। नाउ लेट मी डिस्कस विद यू द फॉर्म आईटीआर 1 फॉर्म को ब्रीफली आपके साथ एक एक पॉइंट पर जो जो उसमें कवर्ड है डिस्कस करना शुरू करता हूं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, जो ITR 1 का PDF फॉर्मेट है, यानी ITR 1 कैसे दिखेगी आपके भरने के बाद में, या उसमें क्या क्या फिलअप्स आपको करने हैं, वो आपके सामने एक एक करके डिस्कस करता हूँ। ITR 1 जिसका नाम सहज है, तो इन्होंने बोला सर के किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज इंटरेस्ट एक्सेट्रा, एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। Not for an individual who is either director in a company or has invested in unlisted equity share, or in case where TDS has been deducted under 194N or income tax is deferred on ESOP. ये clear हुआ sir? यहाँ आपको assessment year मिल गया, assessment year 22-23, आपको यहाँ पर अपना PAN number डालना है sir, यहाँ आपका first name, middle name, last name, date of birth, आधार, ये detail insert होंगी, मोबाइल नंबर जो आपका लेटेस्ट है, ईमेल एड्रेस जो आपका लेटेस्ट है आप फिलअप करें, यहाँ आपको एड्रेस की डिटेल देनी है। अब आपको टिक करना है कि आप कौन से सेक्शन में रिटर्न भर रहे हैं। अगर आप टाइमली रिटर्न भर रहे हैं तो 139(1), अगर आप टाइम लिमिट निकलने के बाद में रिटर्न भरेंगे तो बी लेटर रिटर्न, अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न भर दी रिवाइज कर रहे हैं तो 139(5), और अगर नॉर्मल टाइम लिमिट डिलेड रिटर्न सहित निकल गई और उसके बाद भी रिटर्न भरेंगे तो आपको सेक्शन 119 का ऑप्शन लेना है। कई बार आपके रिटर्न भरने के बाद में 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न का इंटीमेशन आता है, उस समय अगर आप पुनः रिटर्न भरेंगे तो आपको 139(9) चूज करना है, और अगर आप 139 में रिटर्न बिल्कुल नहीं भरते और बाद में डिपार्टमेंट आपको 142-148 का नोटिस देगा, देन इन दैट केस यू विल बी टिकिंग एट दीज ऑप्शन। प्राइमा फेसाई आपको यहां पर या यहां पर चूज करते हुए आगे बढ़ना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्या आर यू अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यू आर अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यू आर अ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई, यू आर अ पेंशनर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, यू आर अदर पेंशनर, और यू आर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई, देन यू मे क्लिक हियर अदर्स एंड नॉट एप्लीकेबल, से फॉर एग्जाम्पल यू आर अ फैमिली पेंशनर। अगर दोस्तों आप किसी सूरत में रिवाइज या डिफेक्टिव रिटर्न भरेंगे, मैं अभी पहली रिटर्न का एजम्पशन नहीं ले रहा यहां पर, रिवाइज रिटर्न या डिफेक्टिव रिटर्न तब होती है जब आप एक ओरिजिनल रिटर्न भर चुके होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर यहां फिलअप करना है और उसकी डेट फिलअप करनी होगी। इसी प्रकार अगर आपने 139(9), 142(1) या 148 के रिस्पॉन्स में या 119 में डिलेड कंडोनेशन के साथ में अगर आप रिटर्न भर रहे हैं तो रिलेवेंट नोटिस का रेफरेंस नंबर भी डेट आपको यहां देना होगा। Are you opting for new tax regime under section 115 BAC? Very important, sir. अगर आप नई स्लैब रेट का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको यहाँ yes पे क्लिक करना है, और अगर आप ओल्ड रिजीम में ही हैं तो फिर आपको no पे क्लिक करना है। फर्दर दोस्तों, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम? ये क्या है सर कि सेक्शन 139 में एक 7th प्रोविजो इंसर्ट हुआ, 3 विशेष सर्कमस्टांस से जुड़ी, जिनमें चाहे आपकी रिटर्न बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर नहीं है तो भी आपको रिटर्न भरनी है, तो क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं क्या? यदि हाँ तो आपको यस भरना है, यदि ना तो आपको नो भरना है। 3 कैटेगरी क्या है? हैव यू डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ और मोर करंट अकाउंट इन अ करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर? यदि हाँ है आपका उत्तर तो आपको अमाउंट बतानी है। हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख फॉर ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और टू एनी अदर पर्सन? यदि आपका आंसर येस है तो आपको अमाउंट फिलअप करनी है। हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द पीरियड? यदि आपका आंसर येस है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की राशि मेंशन करें। फर्दर देखिए सर, आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न एज पर अदर कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर क्लॉज 4 ऑफ द 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1)? ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल आज की डेट में नहीं है, तो आप यहां पर नो सेलेक्ट करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं दोस्तों हेडवाइज इनकम की फाइलिंग पे, पार्ट बी है
इस आईटीआर वन का, जिसका टाइटल है ग्रॉस टोटल इनकम। अब आपको हेड वाइज इनकम देनी है। सबसे पहले देखिए, हमने यहां सैलरी ऑब्लिक पेंशनर, आप सैलरीड हैं पेंशनर हैं, दोनों को यहां डिटेल भरनी होगी। फर्स्ट यू विल फिल अप ग्रॉस सैलरी, यहां पर आप अपनी सैलरी की डिटेल देंगे। कोई परक्विजिट आपको मिली हो जो आपको फॉर्म 16 के पार्ट बी में एम्प्लॉयर ने बताई हो वो। प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, यदि एम्प्लॉयर ने कोई आपको लीव एंकैशमेंट या इस प्रकार के कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स काइंड ऑफ दिए हैं, ग्रेचुटी वगैरह, तो वो यहाँ पे मेंशन हो सकते हैं। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ नोटिफाइड कंट्री, ये ज्यादातर केसेस में लीव कर दीजिए, ब्लैंक रहेगा। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ कंट्री अदर देन, इन दोनों पर खास ध्यान नहीं दीजिए। अगर कोई स्पेसिफिक केस है किसी व्यक्ति का जिसे नोटिफाइड कंट्री से रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से पेंशन मिलती है तो ही उन्हें मेंशन करना है अमाउंट, नहीं तो ज्यादातर असेसीज इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, मान लीजिए सेक्शन 10 क्लॉज 14, 10 क्लॉज 5 और सेक्शन 10 क्लॉज 13 ए, एचआरए एग्जम्पशन, इस प्रकार की कुछ एग्जम्पशन आपने लिए है तो यहां आपको ड्रॉप डाउन में लिस्ट मिलेगी, आप उस लिस्ट में रिस्पेक्टिव अमाउंट डालेंगे। फर्दर इनकम क्लेम और रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन अंडर 89 ए, वो भी यहां इंसर्ट होगा, आप इसे प्रैक्टिकली नील मान के चलिए आपके केस में। नेट सैलरी फाइनली आपको यहां लिखनी है। सेक्शन 16 के डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स अगर आपको रिस्पेक्टिव स्टेट में लगा है, ये तीनों माइनस करके यहां पर आपका नेट सैलरी, टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट निकल करके आ जाएगा। अब आते हैं दोस्तों B2 पार्ट पर, जिसको टाइटल है हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास में कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी है जो या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है या खाली पड़ी है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ऐसी परिस्थिति में आप डीम लेट आउट पे क्लिक करेंगे। यहां आपको ग्रॉस रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखना है, अगर आपने कोई लोकल टैक्सेस दिए हैं तो वो माइनस होंगे, नेट एनुअल वैल्यू आपकी टैक्सेबिलिटी में जाएगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ये वैल्यू निल होगी, और अगर ये निल हो गई तो फाइनली ये फिगर भी निल हो जाएगा। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू अगर ऊपर निल है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो यहां निल होगा, और अगर मान लीजिए ऊपर मैंने 3 लाख का किराया लिखा था तो 3 लाख का 30% 90,000 रुपये मुझे यहां डिडक्शन करने के लिए मिल सकता था। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का अमाउंट फिलअप करें। एरियर अनरियलाइज रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%, ये अमाउंट यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं यदि आपको कोई किराया पिछले साल का यहां पे इस साल रिकवर हुआ है तो। फाइनली दोस्तों आपके पास में 3 -4 -5 +6 ये अमाउंट करके हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम निकलेगी। हाउस प्रॉपर्टी हेड की कैलकुलेशन के बाद आपको B3 में डिटेल भरना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या आएगा सर, जैसे यहां लिखा है सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट, कोई और स्पेसिफाइड इनकम से आपने बोला मुझे ट्यूशन इनकम आती है, डिविडेंड इनकम आती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको कुछ आते हैं 89A के कंट्री से, ज्यादातर 89A वाली सूरत मोस्टली एम्प्लॉयज में एप्लीकेबल नहीं है, तो आपकी कोई भी अदर सोर्स की इनकम जो आप डिक्लेयर करना चाहें, ध्यान रखिएगा अदर सोर्स में आप कैपिटल गेन की इनकम नहीं दिखाएंगे, इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, ट्यूशन इनकम, इस प्रकार की कोई इनकम जो छोटी मोटी आती हो या कैजुअल इनकम, उन्हें आप मेंशन करें। अगर आपने फैमिली पेंशन बताया तो आप सेक्शन 57 क्लॉज 2A में 15,000 या 1/3 whichever is less का डिडक्शन लेंगे। फाइनली आपको ग्रॉस टोटल इनकम का फिगर निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों जो ग्रॉस टोटल इनकम का फिगर हमने निकाला उसमें तीन हेड की इनकम आई आईटीआर 1 में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी में सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से आपका 2 लाख रुपए तक का लॉस हो सकता है और वो लॉस आपका सैलरी हेड से एडजस्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इस GTI में आपको कुछ डिडक्शंस मिलेंगे जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम निकलेगी। ये डिडक्शन ATC, ATCCC, ATCCD1, NPS, ATCCD1B, NPS का 50,000 का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का ATCCD में NPS में कंट्रीब्यूशन, मेडिकल से रिलेटेड एक्सपेंडिचर या प्रीमियम के डिडक्शन, इसी प्रकार सर ATDD, ATDDB के डिडक्शन, ATE में अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है उसका डिडक्शन ले सकते हैं। ATEE प्रैक्टिकली आज एप्लीकेबल नहीं है, सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस में जहां 45 लाख रुपए तक की DLC का मैटर था और आपने कोई लोन लिया हो तो आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन एक्स्ट्रा ATEE में इंटरेस्ट का मिलेगा। इसी प्रकार अगर आपने कोई ई व्हीकल लिया हो तो ATEE का डिडक्शन ले सकते हैं। ATG का डिडक्शन आपको मिलेगा अगर आपने किसी संस्था को कॉन्ट्रीब्यूट किया। वहां 4 प्रकार के डिडक्शन मिलते हैं दोस्तों, 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, 100% क्वालिफाइंग लिमिट सब्जेक्ट टू 10% ऑफ GTI,
एंड 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट सब्जेक्ट टू 10% ऑफ जीटीआर। तो ऐसा करके आपको डिडक्शन के एक एक अमाउंट को स्पेसिफिकली मेंशन करना है। यदि आपको एचआर नहीं मिलता और आपने रेंट पे किया है तो आप 80GG जैसे डिडक्शन भी दे सकते हैं। 80GG पॉलिटिकल पार्टी को किए कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन है। अगर आपकी उम्र रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में 60 से प्लस नहीं हुई तो आप 80TTA लेंगे, और अगर 60 प्लस है और इंटरेस्ट की इनकम है, एफडी की इनकम है, तो आप 80TTB क्लेम कर सकते हैं। किसी फिजिकल डिसेबिलिटी के केस में 80U का डिडक्शन मिल सकता है। तो ये करके सर आप फाइनली अपने टोटल डिडक्शन का अमाउंट तय करेंगे, और टोटल डिडक्शन को जीटीआई में से कम करने के बाद में आपका नेट टोटल इनकम निकलेगा जिस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। यदि आपको एग्जम्प्ट इनकम रिपोर्ट करना चाहें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से रिलेवेंट ऑप्शन क्लिक करके एग्जम्प्ट इनकम की डिटेल यहां पे फिलअप कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों, जो आपने अपनी न्यू स्लैब रेट या ओल्ड स्लैब रेट ली, उसके बेसिस पर आपका टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम निकलेगा। इस टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम में से अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है टोटल इनकम, तो आपको 87A की रिबेट मिलेगी। इसके बाद आपका टैक्स आफ्टर रिबेट रह जाएगा। अगर या तो 87A लेने से आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो होनी चाहिए मोस्टली, अनलेस यू हैव अ कैपिटल गेन इनकम। तो मैं मान लेता हूं सर, जो भी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपकी बनी, चाहे आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है कम है, उसमें आपको सरचार्ज और एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का अमाउंट जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। और सरचार्ज इसलिए मैं यहां पर नहीं बोल सकता क्योंकि ITR 1 50 लाख रुपए तक की इनकम के लिए एप्लीकेबल, इसलिए सरचार्ज का फिगर आपको दिख नहीं रहा। तो टोटल टैक्स एंड सेस, अगर आपने कोई 89 की रिलीफ लेनी है, जैसे आपको एरियर वगैरह मिले हैं, तो आप 89 के रिलीफ का अमाउंट यहां मेंशन करेंगे। साथ साथ आप सुनिश्चित करेंगे यू आर फाइलिंग फॉर्म 10E। अगर इफ देर इज एनी 234A, 234B, 234C इंटरेस्ट पेएबल बाय यू, दैट विल बी एडेड। इफ यू हैव फाइल्ड अ रिटर्न बाय डिले, देन फीस अंडर 234F मे बी पेएबल। So finally you will get the figure of total tax, fees and interest. Out of this total tax, fee, interest payable, how much you have already paid by way of advance tax, TDS or TCS, वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जो नेट अमाउंट है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में आपसे पेबल है, आपको ये पे करना है। और अगर आप कहते हैं नहीं अनुप जी मैं तो ज्यादा पे करके बैठा हूं, तो आपका रिफंड कैलकुलेट हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों, अदर इंफॉर्मेशन में आपको डिटेल देनी है कि आप कौन से बैंक में अपना रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट भी आप मेंशन कर सकते हैं अपनी, अगर आपके हों तो, लेकिन उनमें से एक अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है रिफंड के पर्पज से, कि आप किस अकाउंट में अपना रिफंड लेना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया, इफ यू हैव पेड एनी एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, देन यू आर सपोज टू फिल अप बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान एंड टैक्स पेड हियर। सिमिलरली इफ देर आर एनी टीडीएस टीसीएस अप्लाइड इन योर केस, देन यू मे फिल अप द डिटेल ऑफ द टैन ऑफ द डिडक्टर, नेम ऑफ द डिडक्टर, ग्रॉस पेमेंट रिसीट, ईयर ऑफ डिडक्शन, टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एंड टीसीएस और टीडीएस क्रेडिट आउट ऑफ द this amount which you have mentioned here, which you are claiming in the present year. So, एक बात आपको बोल सकता हूँ, अगर आप pre-filled ITR में जाएंगे तो आपको इसमें से बहुत सारी चीजें already भरी मिलेगी, except self-assessment tax की डिटेल जो आपको स्वयं insert करनी पड़ेगी। Finally दोस्तों, अगर आपने ITR 1 इस प्रकार फिलअप कर ली, आपको उसे verify करना है। यहाँ आपका नाम, यहाँ आपके पिताजी का नाम, ठीक है, आपका सेल्फ कैपेसिटी में रिटर्न जाएगा तो यू मे पुट योर सेल्फ, और आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। सिग्नेचर करने की प्रैक्टिकली आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं, तो केवल वेरीफाई करना होता है, तो वो वेरीफाई आप ज्यादातर ई वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आप किसी टीआरपी के थ्रू अपनी रिटर्न भरते हैं तो आपको यहाँ पर टीआरपी की डिटेल फिलअप करके आगे जाना पड़ेगा। क्विकली आपके सामने ये भी बात रख रहा हूं कि ऑनलाइन पोर्टल पर अगर आप एंटर करेंगे तो आपको कैसे अपनी ITR 1 फिलअप करने के लिए पूछना है। से मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में मैंने ई फाइल पर क्लिक किया, ई फाइल पर क्लिक करने के बाद में इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन पर टैप किया, क्लिक किया, यहां आ गया फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन, मुझे इस पर क्लिक करना है। जब मैंने फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक किया तो मुझे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर कराएगा, क्योंकि ये वीडियो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, तो मैंने 22-23 सेलेक्ट किया। सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है ताकि आपको प्रीफिल रिटर्न मिले, यहां कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
जब आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, अगर आपने पहले से कोई एक ड्राफ्ट बना रखा होगा तो वो यहां दिखेगा, और अगर आप फ्रेश रिटर्न अपनी बनाना चाह रहे हैं तो आप फ्रेश रिटर्न पे यहां आकर के स्टार्ट का बटन क्लिक करेंगे तो आपको आईटीआर 1 की ओर ये पर्टिकुलर पोर्टल लेके चलेगा। सो यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। आपको जब प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आईटीआर फॉर्म बताएगा आईटीआर 1, 2, 4। हम क्योंकि आईटीआर 1 का डिस्कस कर रहे हैं, आप अगर आईटीआर 1 भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आईटीआर 1 क्लिक करिए, प्रोसीड करिए, देन यू विल बी मूविंग फर्दर टू फाइल योर आईटीआर 1। तो इस प्रकार दोस्तों आप प्रीफिल्ड रिटर्न तक पहुंच सकते। कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट जो आप ध्यान रख सकते हैं, नंबर 1, बिफोर फाइलिंग रिव्यू फॉर्म 26AS NAIS, अपनी आईटीआर भरने से पहले या ऑनलाइन भरने से पहले आप 26AS या AIS को जरूर रिव्यू करिए कि उसकी सारी एंट्रियां आपने प्रॉपरली देख ली हैं। प्लीज एंश्योर टाइमली वेरिफिकेशन, ई वेरिफिकेशन ऑफ ITR। वंस यू हैव फाइल्ड ITR, इट इज सीन मेनी अ टाइम पीपल आर नॉट ई वेरीफाइंग इट और नॉट सेंडिंग वेरीफाइड रिटर्न ड्यूली साइन टू द CPC बेंगलुरु। उससे आपकी रिटर्न भविष्य में इनवैलिड हो सकती है, उसका भी ध्यान रखें। एक बात ध्यान रखें, अगर आपने ITR भरते समय कोई गलती कर ली तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अप टू 31 December, जब तक वो डेट बढ़ ना जाए, अपनी ITR को रिवाइज भी कर सकते हैं। टू नो वेन ITR इज मैंडेटरी, ये भी समझना जरूरी है सर, कि हम ये समझें कि क्या मेरे को ITR भरना मैंडेटरी है या मैं वॉलंटरली फिलअप कर रहा हूं। इफ आई एम कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू फाइल ITR, देन आई हैव नो ऑप्शन बट टू फाइल। पर अगर मुझ पर कंपल्सरी नहीं है और मैं ITR भरना चाहता हूं तो भी आप ITR 1 तो भर ही सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ITR 1 पे बनाई गई ये वीडियो आप तक ITR 1 का एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्पफुल रहेगी। यदि ITR 1 से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम एट माय लेवल बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।